हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आज आपके सामने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 11 को शुरुआत करूँगा। हम लोगों का लेक्चर 1 से लेकर 10 तक हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है। यदि आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके 1 to 10 को देख लीजिए। आज मैं वीडियो 11 बना रहा हूँ और ये वीडियो भी आपकी अपलोडेड है, आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हो। आज मेनली हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के, वो पढ़ेंगे सिक्कों से रिलेटेड, यानी कि कॉइन से रिलेटेड। जो भी कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम लोग देखेंगे और उनके कंसेप्ट को सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाए जाते हैं। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने रेशियो प्रोपोर्शन के कॉइन्स के क्वेश्चन को। अब देखो, ये क्वेश्चन जो कॉइन्स के होते हैं, इनको बनाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको मैं देना चाहूँगा। कंसेप्ट ये कहता है कि यदि नंबर ऑफ कॉइन्स, जो भी नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं इनटू वैल्यू ऑफ कॉइन्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, ये है कि मान लो कि नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके? 5 हो गए। वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 1 रुपए के कॉइन्स हैं तो 1। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकालना हो तो क्या हो गए? 5 रुपीज़ हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके दे रखे हैं 10, राइट, और वैल्यू ऑफ कॉइन आपके 50 पैसे हैं। क्या है? 50 पैसे हैं। मैं लिख दिया 0.50, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका क्या आ जाएगा, 10 × 5 = 50, ठीक है, और 1 हो गया 0, इधर से आ जाएगा कितने हो गए आपके? 5 रुपए हो गए। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, आपके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकल गए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ कॉइन्स। तो उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे और इसी पे क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन बेस्ड रहता है उसे हम लोग सीखेंगे। हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है आपका, ए बेगर हैड 10 पैसे, 20 पैसे एंड 1 रुपी कॉइन्स। एक बेगर है, उसके पास 10 पैसे के, 20 पैसे के और 1 रुपीज़ के कुछ कॉइन है, जिनका रेशियो दे रखा है 8:17:7 के रेशियो में दे रखा है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी में क्या होता है कि इन दैट डे ही अर्न टोटल ₹57। और दिन के लास्ट में क्या होता है, जब वो सारे पैसे को काउंट करता है तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट क्या होते हैं आपको, 57। तो हमें ये निकालना है हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन डिड ही हैव, तो उसके पास 20 पैसे के कॉइन कितने हैं। तो 20 पैसे के कॉइन कितने हैं हमें निकालना है। तो आओ इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कितने हैं जो दे रखा है उसे लिखते जाओ, 10 पैसे के कॉइन है, फिर 20 पैसे के कॉइन है और क्या है आपके, 1 रुपीज़ के कॉइन है, राइट, हमने लिख लिया। अब रेशियो में क्या दे रखा है, 10:17:7। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपके कॉइन्स के क्वेश्चन जो रहते हैं 2 टाइप के पूछते हैं। एक आपके क्वेश्चन में बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ रुपीज़ दे रखा है या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, राइट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 चीज़ें आप ये क्वेश्चन बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, ये कितना दे रखा है, टोटल रुपीज़ क्या दे रखा है आपका, 57। और कभी कभी क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स रहते हैं तब कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं और टोटल रुपीज़ रहते हैं तब कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, आप इन चीज़ों पे गौर करिएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल रुपीज़ दे रखा है आपको, राइट, क्या दे रखा है, टोटल रुपीज़ दे रखा है। अब यहाँ पे रुपीज़ दे रखा है तो सारे को क्या करेंगे हम, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 पैसे को, टोटल 10 सिक्के हैं, रेशियो ये दे रखा है, तो टोटल कितने पैसे हो गए आपके, 100 पैसे हो गए। ये कितने हो गए आपके, 17 × 2 कितना होता है आपका, 34 होता है, 10 रहा, ये पैसे हो गए। ये देखो 7 रुपीज़ है, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 जीरो कर देना पड़ेगा, राइट। अब टोटल पैसे कितने हो गए, आप जब ऐड करोगे 700 100 800 8 9 10 11 1140 रुपये हो गए, 1140 पैसे हो गए, राइट। अब 1140 पैसे है, यदि 1140 मान लो कि यूनिट है, इसके वैल्यू क्या दे रखे हैं आपके, 1140 का दे रखा है 57 रुपीज़ है, तो इसे भी पैसे में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 जीरो हमने लिख लिया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, अब 100 आपका 14 दे रखा है, 114 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 20 = 0, 0 हाथ में लगा 2 × 5 = 7 = 5, कितना आ गया, 570। इट मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। अब हमें निकालना क्या है,
हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन, आपके 20 पैसे के कॉइन कितने हैं, कितने कॉइन हैं मैं पूछूँ तो आप बोलोगे 17 कॉइन है। तो क्या करूँगा, हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कॉइन कितने हो गए, 85 कॉइन्स। कितने हो गए आपके, 85 कॉइन्स। इस तरीके से क्या किया, हम क्वेश्चन को निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कह रहा था तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने, 17 है। मैंने क्या किया, 17 से बस मल्टीप्लाई कर लिया और एक की वैल्यू मेरी निकली हुई थी। तो हमेशा ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दे रखे हैं या टोटल रुपीज़ दे रखे हैं। यहाँ टोटल रुपीज़ दे रखा था तो मैंने रुपीज़ के क्वेश्चन को कैसे बनाया, मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसे कैसे बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ए बैग कंटेन्स 1 rupees 50 paise और 25 paise कॉइन्स। एक बैग है जिसमें क्या है आपके, 1 rupee के, 50 paise के और 25 paise के कॉइन है। इन द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज 3:30:11:7 एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 480। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है। क्या दे रखा है आपका, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान देना कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है आपका या टोटल अमाउंट दे रखा है। टोटल अमाउंट रहेगा तो कैसे रहेगा, रुपीज में रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स रहेगा तो क्या रहेगा, ये नंबर में रहेगा, राइट। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, 480 नंबर दे रखा है। अब क्वेश्चन को देखो कितना इजी से बनाएंगे हम लोग। पहले कितना है, 1 rupee के आपके कॉइन्स हैं, फिर क्या है, 50 paise के कॉइन्स हैं और क्या है आपके, 25 paise के कॉइन्स हैं। रेशियो क्या दे रखा है आपका, 30:11:7। अब मैं पूछूँ, 1 rupee के कॉइन है तो 1 होंगे, 50 paise के यदि कॉइन है तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 कॉइन हो जाएंगे, तभी तो मिला कि 1 rupee होंगे। 50 paise के यदि हम 2 सिक्के मिला दें तो 1 rupee हो जाएंगे, और 25 paise के कितने सिक्के मिला दें कि 1 rupee हो जाएंगे, आप कहोगे 4 हो जाएंगे। इतना तो आपका कंसेप्ट नोट होगा ही। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन्स। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 30 rupees, 30 का रेशियो दे रखा है, तो 30 rupees के यदि 1 rupee के कॉइन होंगे तो टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे, 30। अब मैं पूछिए, 11 का 50 paise का है कॉइन, अब 50 paise के 2 सिक्के होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 11 × 2 = 22 हो जाएंगे। और यहाँ पे 7 का रेशियो दे रखा है, 1 rupee में कितने कॉइन होते हैं, 4 होते हैं, तो 7 × 6 क्या हो जाएगा, 28 कॉइन हो जाएंगे, राइट। अब पूछो कि टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन्स क्या हो जाएंगे, तो आप इसे ऐड कर दोगे, 8, 9, 10 के 0 हाथ लगा, 1, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 1 उधर हासिल था आपका, 5 हो गया, 5 × 3 = 8 हो गया। यानी कि 80 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 480 दे रखा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन्स यहाँ भी हम निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन्स, तो ये 0 से 0 कट गया, 8, 5, 40, 8, 6, 48, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 6। अब क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 paise कॉइन। अब टोटल नंबर ऑफ 50 paise के कॉइन हमको निकालना है। टोटल कॉइन्स कितने हैं भाई, 22। टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन्स क्या है आपके, 22 है 50 paise के, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 12 हाथ लगाए, 6 × 12 = 13, मतलब कि 132 कॉइन्स है आपके। समझ में आया, नहीं समझ में आया, रिवाइंड करो, फिर से देखो। मैं हमेशा कह रहा हूँ, दो चीज़ों पे आप बेसिकली कॉइन्स के क्वेश्चन में ध्यान देखना। क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है या टोटल नंबर ऑफ अमाउंट दे रखा है। अमाउंट में जो हमने पहला कॉन्सेप्ट बताया था वैसे यूज करते हैं, उसमें रुपीज़ लिखा हुआ रहता है, राइट। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में कॉइन्स दिया हुआ रखा रहता है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो उसमें क्या कर देते हैं, 50 paise कॉइन कितने होंगे, 2 होंगे, 25 paise कॉइन कितने होंगे, 4 होंगे, इसे मिला के 1 हो जाएंगे, तो उसको इस तरीके से हम बना लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि 180 rupees, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, रुपीज़ में दे रखा है। ध्यान देना हमेशा, ये रुपीज़ में है या आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये रुपीज़ में दे रखा है एक बॉक्स में, ठीक है। कंसिस्ट क्या कर रहा है, 1 rupee है, 50 paise है और 25 paise के कॉइन है, जिसका रेशियो दे रखा है 2:3:4। तब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 paise कॉइन्स, तो 50 paise के कितने कॉइन्स हैं हमें ये निकालना है। आओ इस कंसेप्ट को बनाते हैं। 1 rupee के कॉइन है, 50 paise के कॉइन है और क्या है, 25 paise के कॉइन है, जिसका रेशियो क्या दे रखा है आपको, 2:3:4, राइट, हमने लिख लिया।
अब यहाँ पे कह रहा है टोटल अमाउंट 180 रुपीज़ है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। यदि मैं टोटल अमाउंट निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 पैसा, यदि मैं पैसे में कन्वर्ट कर दूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 15 150 पैसे, ये क्या हो जाएगा 25 × 2100 100 पैसे। यदि टोटल यूनिट में बोलूँ तो 200, 100, 300, 400, 450 यानी कि 450 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल पैसे की वैल्यू आपको दे रखी है 180 रुपीज़, राइट। कितना दे रखा है आपका 180, मैं लिख लिया 180, ये रुपीज़ में है तो मैं क्या करना पड़ेगा पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 जीरो हमने लिख लिया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका 45 कितने बार में आपका कट जाएगा, यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितने बार में कट जाएगा, आप देखो ये आपका 4 times में चला जाएगा, कितने टाइम्स में, 4 times में, और एक जीरो बचा, एक जीरो मैंने लिख दिया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 40 निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो टोटल 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे आपके, दे रखे 3 दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे 40 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी 120। 120 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 120 कॉइन्स हो जाएंगे, आ गए हमारे आंसर। बस इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखो कि किस तरीके से यदि दे रखा है टोटल नंबर ऑफ अमाउंट या टोटल नंबर ऑफ आपके रुपीज़ में दे रखा है या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, इस दो कंसेप्ट को ध्यान रखो, क्वेश्चन बनेगा आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इसमें। क्वेश्चन ये दे रखा है नेक्स्ट आपका, इफ़ 378 कॉइन्स कंसिस्ट 1 rupees 50 paise और 25 paise कॉइन्स, कहता है कि एक बैग है जिसमें क्या है आपका 1 rupee के है, 50 paise के है और 25 paise के कॉइन है, राइट, जिसका वैल्यू दे रखा है आपका रेशियो में 13:11:7, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 paise कॉइन। आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है 50 paise कॉइन के। आ जाओ यहाँ भी क्या दे रखा है, 370 क्या दे रखा है आपका, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, अमाउंट नहीं दे रखा है। हमेशा इन चीज़ों पे गौर करना, आपकी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है या आपका रुपीज़ में दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। चलो इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे सेम तरीके से, आप देखते चले जाओ। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, कितने रुपीज़ के कॉइन है, 1 rupees के कॉइन है, मैं लिख दिया। फिर क्या है, 50 paise के कॉइन है, लिख दिया। और कितने हैं, 25 paise के आपके कॉइन है, जो कि रेशियो में दे रखा है 13:11:7। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखे रखे हैं या टोटल नंबर ऑफ अमाउंट दे रखा है, तो आप क्वेश्चन देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, तो कॉइन्स दे रखे थे 1 rupee के, कितने कॉइन्स होंगे, तो एक ही कॉइन होंगे। 50 paise के कितने कॉइन होंगे, तो आप कहोगे 2 कॉइन होंगे। और 25 paise के कितने कॉइन होंगे, तो 4 कॉइन होंगे। टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन आओ निकाल लेते हैं, तो ये तो 30 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा 11 × 2 = 22 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 × 28 हो जाएगा, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन्स निकालना हो तो सारे को ऐड कर दो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाथ लगा 1, 2, 2, 4, 5, 1, 6, 63 हो गया। 63 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन क्या दे रखा है आपका 378, तो 1 unit की वैल्यू निकालनी हो तो 63 कितने बार में हो जाएगा आपका, 63 को जब डिवाइड करोगे आप 6 से तो 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 3, 78 आ गया, यानी कि ये 6 times में कट हो गया, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ 50 paise कॉइन्स, हमें 50 paise के टोटल कितने कॉइन है, 22 कॉइन है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे 22 × 6, जब 22 × 6 करोगे तो आ जाए आपका आ जाएगा 132 कॉइन्स। देखो कितनी आसानी से बन रहा है, बस आप क्वेश्चन में ध्यान देना, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है या टोटल नंबर ऑफ अमाउंट दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देयर आर 225 rupees, यहाँ देखो क्या दे रखा है, रुपीज़ में दे रखा है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, अब क्वेश्चन बनाना शुरू कर देता है, अब उनको समझ ही में नहीं आता कैसे बनाए, तो आप ये गलती नहीं करोगे, आप देख लोगे रुपीज़ दे रखा है या आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, और कौन से आपके 1 rupees के है, 50 paise के है और 25 paise के है, जो कि रेशियो में दे रखा है 8:5:3 में, तो हमें निकालना है 1 rupees के कॉइन। सेम कंसेप्ट है, सेम है, बस आपकी क्लियर है, आप क्वेश्चन बनाते चले जाओगे। 1 rupees की है, मैंने 1 rupees लिख लिया, 50 paise था 50 paise लिख लिया और 25 paise लिख लिया,
क्या दे रखा है, टोटल रुपीज़ दे रखा है 225, जो कि रेशियो में क्या है आपका 8:5:3, मैंने लिख लिया। अब दे रखा है टोटल रुपीज़, तो टोटल रुपीज़ है तो हम टोटल रुपीज़ निकालेंगे, तो 8 रुपीज़ है तो रुपीज़ को पैसे में करेंगे तो 800 पैसे हो गए, ये 25 25, 250 पैसे हो गए, ये कितने हो गए 25 75, 75 पैसे हो गए। और इसको ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, 8 9 10, 10.5 और 75 कितने हो गए 1125। तो 1125 पैसे बराबर कितने वैल्यू हो गए आपके, दे रखे हैं टोटल वैल्यू दे रखे हैं 225 रुपीज़ में है, तो इसे क्या करेंगे हम पैसे में कर लेंगे, 2 जीरो लगा दिए, तो 1 पैसे मतलब कि 1 यूनिट के वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 225 और 2 जीरो और डिवाइडेड बाई कर देंगे हम 1125। इसको कट कर दो आप 25 बार में, तो कितने बार में कट हो जाएगा 45 टाइम्स में हो जाएगा कट, और ये कितने बार में कट हो जाएगा 9 टाइम्स में, 2 जीरो दे रखा था 2 जीरो, अब 9 से कट जाएगा ये 2 जीरो, ये कट जाएगा 9 5 45 और ये कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 1 रुपीज़ के कॉइन तो 8 है आपके, तो 8 से क्या करोगे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आ गया आपका 160 आंसर। तो सो ईजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है कॉइन्स में, क्वेश्चन में बस आपकी ये चीज़ें क्लियर है कि क्वेश्चन क्या में दे रखा है, रुपीज़ में दे रखा है या नंबर में दे रखा है। और चलते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं वो भी क्वेश्चन पे आऊँगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को टफ कर सकता है, तो वो वहीं फंसाएगा आपको, उसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आएगा तो मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन। पहले इसे देखो, देर आर 480 कॉइन्स, ठीक है, कितना दे रखा है कॉइन्स 480 नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रुपीज़ नहीं दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन देखा है, कॉइन दे रखा है, हाफ रुपीज़ का है, क्वार्टर रुपीज़ का है और 10 पैसा। हाफ रुपीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं 50 पैसे, क्वार्टर रुपीज़ को क्या करते हैं 25 पैसे, उसी को बस क्वार्टर में लिख दिया। और जिसका रेशियो दे रखा है 5:3:1, तो हमें कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ईच केस, मतलब कि सभी के निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, मतलब 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं और 50 पैसे के कॉइन कितने हैं। देखो 1 रुपीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 रुपीज़ नहीं, 1 रुपीज़ नहीं दे रखा है, हाफ रुपीज़ दे रखा है, हाफ रुपीज़ को क्या कहते हैं हम 50 पैसा। फिर दे रखा है क्वार्टर रुपीज़, क्वार्टर रुपीज़ क्या हो गया आपके 25 पैसे, और दे रखा है 10 पैसे, राइट। और ये रेशियो में दे रखा है 5:3:1 के रेशियो में दे रखा है। अब टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स दे रखा है आपको, तो हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालेंगे, 50 पैसे के कितने कॉइन मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएगा, आप कहोगे 2 रुपये, 2 50 पैसे के कॉइन मिलाएंगे तो 1 रुपये हो जाएगा, तो 2 लिख दिया। 25 पैसे के कितने कॉइन मिलाएंगे कि क्या हो जाएगा आपके 1 रुपये हो जाएगा, 25 64, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लो, 100 यूनिट आना चाहिए क्योंकि 100 पैसे बराबर क्या होते हैं 1 रुपये होते हैं, 50 दुना के 100, 25 64 100, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 दहिया 100, मतलब कि 10 पैसे के 10 सिक्के रहेंगे। अब पूछे 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप टोटल निकालोगे 5 दुना के 10, ये हो जाएगा 4 12 और ये हो जाएगा 10, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकल गए। अब जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 20 30 32, यानी कि 32 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 480, यही तो दे रखा है। अब यदि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो कितने बार में कट जाएगा, 32 एक बार में कटेगा और हो जाएगा 8 8 दुना के 16 और कट जाएगा आपके 8 बार में, राइट, नहीं 5 बार में, 5 टाइम्स में कटेगा आपके, ठीक है। जब आप 15 32 को आप डिवाइड कर लो एक बार आ जाएगा, एक बार कंफर्म हो जाते हैं, आ जाओ एक बार में 32, 8 में से 2 गए 6, ये आपके हो गए 10, ठीक है, 5 बार में हो जाता है आपका 160, तो आ गए आपके कितने 15। मैंने क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 आ गई। अब हमें क्या कह रहा है कि सबका इंडिविजुअली निकालने के लिए, राइट, तो क्या दे रखा है आपका इंडिविजुअली दे रखा है, ये कितने हैं 10 है, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो कितने हो गए 150, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया आपके 180, राइट। 15 कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, 15 को पहले 10 से कर लिया तो क्या हो गया आपके 150, अब बचा आपका 2, तो 15 दुना के 30, तो 30 150 में 30 ऐड कर दिया, हो गया 180। 15 को फिर 10 से करोगे तो हो जाएगा 150, सारे की वैल्यू यूनिट निकल गई, देखो कितना आसान था, बस उसी पे बेस्ड था। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख दिया हाफ रुपी और क्वार्टर, क्वार्टर को आप जानते हैं 25 पैसे कहते हैं और हाफ को 50 पैसे कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा है
और यदि आपकी कंसेप्ट यदि क्लियर हो गई है तो मैं आपको बेलू बोलूँगा कि एक बार खुद से आप ट्राई करके देखो, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। आप यहाँ पे पॉज करो वीडियो को और एक बार खुद से ट्राई करो, बन पाता है या नहीं। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप वीडियो को देख के दोबारा समझो। क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है ए बॉक्स कंटेन 480 कॉइन्स, जिसमें 1 रुपीज़ के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 20 पैसे के कॉइन है, जो कि रेशियो का वैल्यू दे रखा है 13:11:7। तो फाइंड द 50 पैसे के कॉइन उसमें कितने हैं। सेम एज इट इज़ वैसे ही है, आपका है 1 रुपीज़ का है, फिर 50 पैसे का है और फिर 20 पैसे का। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, टोटल आपको क्या दे रखा है, आप पढ़ोगे तो 420 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है। क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन 480, रुपीज़ नहीं दे रखा है, 420 टोटल दे रखा है। अब रेशियो कितना है आपका 13:11:7, मैं लिख लिया यहाँ पे। अभी क्या निकालना है हमें, टोटल नंबर ऑफ ए कॉइन्स निकालना है। कॉइन्स निकालने क्या होगा, ये तो 1 रुपीज़ ठीक है, 50 पैसे ये कितने होंगे 2 सिक्के होंगे, 20 पैसे कितने सिक्के होंगे, 20×5 100, आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितने बार में 100 आता है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 35, राइट। अब देखते हैं आगे, अब इसे टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 5, 2, 7, 8, 9, 10 के 0 हाथ में लगा, 1, 3, 2, 5, 6, 7, मतलब कि कितने यूनिट आ गई मेरी, 70 यूनिट आ गई। अब 70 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 420, ये 0 से 0 कट गया और ये 7×6=42, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपको, 6 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपको, 6 आ गई। तो फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, आपको 50 पैसे के कॉइन निकालना है, तो 50 पैसे के टोटल कितने, 22 है, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 12 × 12 = 132 कॉइन्स, सो इजी, बस निकल गया। तो आई थिंक आपकी कंसेप्ट अच्छी हो रही होगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, जो कि CGL के मेंस में पूछा हुआ था क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो इसे आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो, होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका। ए बॉक्स कंटेंस 56 इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कहता है ये बॉक्स में कितने रुपए, 56 रुपए हैं, जो कि 1 रुपीज़ के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो क्या है, डबल है, किससे, 25 पैसे के कॉइन्स से। एंड 4 times द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, और 4 गुना किससे है आपके, 1 रुपीज़ के कॉइन से। तो हमें निकालना है हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर इन द बॉक्स, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स है बॉक्स में। मैंने ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया है, एक बार आप देखो, मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, अब मैं ऐसा पढ़ा चुका हूँ, आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर लो, और नहीं तो आप देखो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। 1 रुपीज़ का कॉइन है, मैंने लिख दिया, फिर है 50 पैसे का कॉइन, मैं लिख दिया, फिर क्या है आपके 50 पैसे के हैं, और क्या है आपके 25 पैसे के हैं, लिख दिया मैंने, राइट। और आपको यहाँ पे दे रखा है कि द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, मान लो 1 रुपये के कॉइन को हम ए मान लेते हैं, 50 पैसे कॉइन को बी मान लेते हैं, 25 पैसे कॉइन को सी मान लेते हैं। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, राइट। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन क्या दे रखा है आपका, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, मतलब कि कंपैरिजन किस में कर रहा है, 50 पैसे और 25 पैसे वाले में, मतलब इस दोनों में, मतलब हमें कंपैरिजन करना है बी और सी में। और दे रखा है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल, तो मान लो ये 2 है तो सी क्या होगा आपका, 1 होगा, यही है ना यहाँ पे। आगे पढ़ो, एंड 4 times द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, और 4 times क्या है आपके, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन है, किस से, बी से, और 1 रुपीज कॉइन है क्या है आपके, ए है। तो यदि a:b की रेशियो देखे तो क्या निकल जाएगी मेरी, 1:4 निकल जाएगी, यही ना क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंड 4 times द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 4 times क्या है, फ्रॉम 1 रुपीज के कॉइन से, तो 1 रुपीज कॉइन कौन है मेरा, 1 है, और 4 times कौन था आपका, बी था, तो मैंने लिख दिया। अब इसे क्या करना है, हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको मैंने एक चीज़ कंसेप्ट शुरू में पढ़ाया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, a:b और b:c यदि मैंने निकालना हो तो वही करेंगे। a:b की वैल्यू क्या दे रखी है, 1:4, और b:c की वैल्यू क्या दे रखी है, 2:1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो,
तो 2 1 2 4 2 जा 8 और 4 1 4। अब हमें क्या निकल गया यहाँ से, ए की बी की और सी की वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू कितनी निकल गई 2, बी की वैल्यू निकल गई 8 और सी की वैल्यू क्या निकल गई 4, राइट। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्या दे रखा है आपको, टोटल नंबर ऑफ दे रखा है यहाँ पे 56 रुपीज़। क्या दे रखा है 56 रुपीज़, मतलब रुपीज़ में दे रखा है। तो हमें क्या करना है, रुपीज़ में निकालना है। रुपीज़ में निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये पैसे में कर लेते हैं 200 पैसा, ये क्या हो जाएगा आपका 8 5 40 10 400 पैसा, और ये क्या हो जाएगा 25 6 100 100 पैसा। टोटल पैसा कितना हो जाएगा 4 5 6 7, टोटल कितने पैसे हो गए 700। तो 700 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 56, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 2 0 से 2 0 कट गया और 78 क्या हो गया 56, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई आपको 8 निकल गई। अब हमें कहता है कि हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कितने भाई 8 है, तो इसे क्या करेंगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 64 आंसर चलाएगा, निकल गया हमारा क्वेश्चन, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार ट्राई करो और इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखने में बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट हम लोग का पढ़ा हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है ए बॉक्स कंटेन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ए बॉक्स कंटेन, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, हाँ, ए बॉक्स कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, जो कि रेशियो में दे रखा है 3:2:5, जो कि टोटल अमाउंट क्या दे रखा है, देखो यहाँ रुपीज़ में दे रखा है, ध्यान देना रुपीज़ दे रखा है। देन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इन द बॉक्स हमें निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सो इजी है, आप बना लोगे, मुझे पता है 1 रुपीज़ के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है, मैंने लिख दिया। रेशियो में क्या दे रखा है 3:2:5, राइट, यहाँ तक आप सीख गए। अब हमें क्या है भाई, टोटल रुपीज़ दे रखा है तो हमें इसे रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 150 पैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 पच्चीस 125 पैसे हो जाएगा। टोटल को ऐड करो तो क्या हो जाएगा आपका 300 400 500 550 550 और 25 525, यानी कि 525 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, पैसे की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 252, राइट, इतना निकल गया। अब पैसे में ये रुपीज़ में दे रखा है तो 2 0 लगा देंगे इसे कन्वर्ट करने के लिए। अब आ जाओ 1 यूनिट के वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 252 2 0 / 525। अब इसे काटोगे तो कितने बार में ये कट जाएगा, 25 बार में काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा आपका 21 बार में कटेगा और ये कटेगा 1008, राइट। अब इसे काटो 21 कितने बार में आ जाएगा, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे 21 को तो ये 48 टाइम्स में आपका कट जाएगा, ठीक है। आप 21 को डिवाइड करोगे तो 48 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, राइट। तो हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे के कितने कॉइन है आपके, 5 कॉइन है, तो 48 × क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे, तो क्या हो गया आपका 240, ये हो गया आपके कॉइन्स, राइट। तो क्या था क्वेश्चंस हमारा, जितने बेस्ट क्वेश्चन जितना आपका पूछ रखा है उतने क्वेश्चन को बनाए, सारे अच्छे क्वेश्चन को कवर अप किए, तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को सीखे होंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को क्या करोगे, आप अपने नोट्स बनाओगे, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखोगे कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और यदि कोई फीडबैक है तो जरूर आप दिया करो। और हमारा इसके बाद एक लास्ट वीडियो होगा, और एक वीडियो मैं और रेशियो प्रोपोर्शन की बनाऊंगा जो सबका निचोड़ होगा, सिर्फ बाय ऑप्शन जो है आप आंसर को बना पाओगे, राइट। तो आप इन जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखो, लास्ट कंसेप्ट का वीडियो मैं आज ला दूंगा, आप उसे भी देख लेना, और सारे वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। कोई परेशानी होती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक पे दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, और उसके PDF जितने भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स भी आपको मैं दे देता हूँ, राइट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इस क्वेश्चन को देखो, बनाओ अच्छे से, और आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।